तो यह है HD ऑडियो रश 5.1 चैनल डॉल्बी डिजिटल रिकॉर्डर और इस छोटे से डिवाइस से आप अपने टीवी या फिर अपने सेट टॉप बॉक्स को अपने 5.1 चैनल होम थिएटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। यह डिवाइस सपोर्ट करता है डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी प्रोलॉजिक 2 को। और यही तो आप अपने टीवी पर नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम वीडियो जैसी सर्विसेज को यूज़ करते हो जहाँ पर आपको 5.1 चैनल मूवी कॉन्टेंट्स देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसे में इस डिवाइस के थ्रू आपके होम थिएटर पर आपको काफ़ी बढ़िया डॉल्बी डिजिटल आउटपुट मिल जाती है। इस डिवाइस को यूज़ करते हुए भी मुझे अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और इस पर मैंने जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो बनाई थी उस पर काफ़ी लोगों ने यार मुझसे कमेंट करके पूछा था कि क्या ये डिवाइस सही में 5.1 चैनल डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करती है। और दूसरा, सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स में ये पूछा गया था कि क्या ये डिवाइस सही में ड्यूरेबल है भी या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इस डिवाइस को अपने टीवी और होम थिएटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवाइस पर मिलने वाले कनेक्टिविटी पोर्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक UX पोर्ट, कोएक्सियल पोर्ट, दो ऑप्टिकल पोर्ट्स, इनपुट सिलेक्शन बटन और साथ ही साथ 2.1 से 5.1 में स्विच होने के लिए एक बटन। और डिवाइस में पीछे की तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं अपने 5.1 चैनल होम थिएटर को कनेक्ट करने के लिए RCA पोर्ट्स। तो चलिए अब जल्दी से डिकॉर्डर को टीवी और होम थिएटर के साथ में कनेक्ट करते हैं। और यह है मेरा iFalcon का स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी जिस पर अभी मैं इस डॉल्बी डिजिटल डिकॉर्डर के थ्रू अपना 5.1 चैनल होम थिएटर को कनेक्ट करूँगा। और यह है मेरा FND की तरफ से आने वाला F5060X 5.1 चैनल होम थिएटर और इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाई हुई है। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अपने इस 5.1 चैनल होम थिएटर को इस डिकॉर्डर के साथ में कनेक्ट करने के लिए आपको चाहिए होंगी ये RCA केबल्स जो कि आपको ऑलरेडी अपने होम थिएटर के साथ में ज़रूर से मिली होंगी। हर एक RCA पोर्ट के नीचे मार्किंग की गई है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा सराउंड लेफ्ट और सराउंड राइट वाली RCA केबल को। और आखिरी में अब हम अपनी फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट RCA केबल को भी यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारी सभी की सभी RCA केबल्स तो हमारे डिकॉर्डर के साथ में कनेक्ट हो चुकी है और इसी तरह से हम इन RCA केबल्स को अपने होम थिएटर की इनपुट में भी कनेक्ट करेंगे। लेकिन डिकॉर्डर को अपने होम थिएटर के साथ में कनेक्ट करने से पहले मैं जल्दी से अपने टीवी को भी इस डिकॉर्डर के साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो अपने टीवी या फिर अपने सेट टॉप बॉक्स को डिकॉर्डर के साथ में कनेक्ट करने के लिए आप ऑप्टिकल पोर्ट या फिर कोएक्सियल पोर्ट का यूज़ कर सकते हो। HDMI ARC का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मेरे टीवी पर ऑप्टिकल पोर्ट अवेलेबल है। वैसे यदि तो आप MI का टीवी यूज़ कर रहे हो तो उस पर आपको कोएक्सियल पोर्ट ज़रूर से मिल जाएगा। और ये तो आपके टीवी या सेट टॉप बॉक्स पर ये दोनों पोर्ट्स ही अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर AUX पोर्ट का यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब हम जल्दी से अपने टीवी को भी इस ऑप्टिकल केबल के थ्रू डिकॉर्डर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। कुछ इसी तरह का ऑप्टिकल पोर्ट भी आपके टीवी पर अवेलेबल होगा, वहाँ पर आपको इस वायर को भी कनेक्ट कर देना है। तो चलिए अब हम इन RCA वायर्स को भी अपने होम थिएटर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। आपके होम थिएटर के RCA पोर्ट्स पर ज़रूर से स्पीकर की मार्किंग की गई होगी। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पर डिकॉर्डर से आ रही फ्रंट स्पीकर की वायर्स को यहाँ पर फ्रंट लेफ्ट और फ्रंट राइट में कनेक्ट करूँगा और उसी तरह से आपको बाकी वायर्स को भी यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो सभी वायर्स कनेक्टिविटी के बाद सबसे पहले आपको अपने टीवी के साउंड मेन्यू में जाना है और यहाँ पर SPDIF या फिर डिजिटल ऑडियो को सेलेक्ट करना है। और उसके बाद ये तो आप अपने टीवी पर कोई 5.1 चैनल कंटेंट प्ले करते हो तो आपको इस ऑटो वाले मोड को सेलेक्ट करना है। और हो सकता है आपके टीवी पर डॉल्बी डिजिटल प्लस का भी ऑप्शन अवेलेबल हो तो आपको उसे भी एनेबल कर देना है। और उसके अलावा ये तो आप अपने टीवी पर कोई 2 चैनल कंटेंट प्ले करते हो, जैसे कि मान लीजिए आप यूट्यूब से कुछ प्ले कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इसे PCM पर सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये डिवाइस सपोर्ट करता है डॉल्बी प्रोलॉजिक 2 को, तो ऐसे में ये तो आप इस डिवाइस के थ्रू कोई 2 चैनल ऑडियो कंटेंट को प्ले करते हो, तो ऐसे में डॉल्बी प्रोलॉजिक 2 का सपोर्ट होने के कारण ये डिवाइस 2 चैनल ऑडियो को भी कन्वर्ट कर देता है 5.1 चैनल सराउंड साउंड में, जहां पर आपको रियर स्पीकर से काफी बढ़िया सराउंड साउंड इफेक्ट सुनने को मिल जाता है। तो अब जब हमने अपने टीवी और होम थिएटर को डिकॉर्डर के साथ में कनेक्ट कर दिया है, मैं जल्दी से एक बार आपको अपना स्पीकर सेटअप भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे की तरफ है मेन यूनिट सबवूफर और टीवी के नीचे साइड में रखा गया है सेंटर स्पीकर और ऊपर की तरफ है ये 2 फ्रंट स्पीकर्स और उसके अलावा वहाँ पर पीछे है 2 रियर स्पीकर्स। और वैसे देखा जाए तो इन रियर स्पीकर्स की पोजीशन सही नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है और ये काफ़ी ज़्यादा दूरी पर भी है, और ये तो पॉसिबल हो तो आप इन स्पीकर्स को कम हाइट पर रखिएगा। तो चलिए अब मैं जल्दी से आपको नेटफ्लिक्स से एक 5.1 चैनल कंटेंट प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस डिवाइस के थ्रू हमें किस तरह की डॉल्बी डिजिटल ऑडियो मिलती है। और उसके बाद मैं आपको यूट्यूब से कोई म्यूजिक फाइल भी प्ले करके दिखाऊंगा।
तुम्हारे सर पे ये टोपी कैसे आया? तुम इसे लाइक हो? ए, ए, तुम कोने से निकल कर क्या कर रहे हो? पता है ना क्या किया है? वहां नीचे मेरा फोन है, साफ करो उसे अभी। सर, मैं आपको याद दिलाऊं कि आप पिछले 5-10 घंटों से सोए नहीं हैं। इधर ध्यान दीजिए प्लीज। गुड आफ्टरनून लेडीज, डिलीवरी रूम में आपका स्वागत है। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बहुत जल्द आपका हट्टा कट्टा। तो चलिए अब YouTube से भी मैं आपको कुछ म्यूजिक प्ले करके दिखाता हूँ, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि इस डिवाइस के थ्रू किस तरह की Dolby Pro Logic 2 ऑडियो हमें मिलती है और इसका Dolby Pro Logic 2 किस तरह से 2-चैनल ऑडियो को कन्वर्ट करता है 5.1-चैनल सराउंड साउंड में। तो पहले तो मैं आपको यहाँ पर सेंटर स्पीकर और फ्रंट स्पीकर के पास में खड़ा रहकर इसकी साउंड सुनाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको वही म्यूज़िक का पार्ट रियर स्पीकर्स के पास में जाकर सुनाऊंगा, ताकि आपको इसकी सराउंड साउंड का अंदाज़ा हो सके। तो फ्रेंड्स, डिकॉर्डर के थ्रू म्यूज़िक को सुनकर आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग गया होगा कि इसके थ्रू हमें किस तरह की बेहतरीन ऑडियो आउटपुट मिलती है। डिवाइस Dolby Digital को तो सपोर्ट करता ही है और साथ ही साथ इसमें से हमें मिल जाती है Dolby Pro Logic 2, जो कि आपके 2-चैनल ऑडियो एक्सपीरियंस को भी काफ़ी बेहतर बना देता है। तो फ्रेंड्स, आखिरी में मैं तो आपको यही कहूँगा कि ये तो आप अपने होम थिएटर को टीवी से कनेक्ट करने के लिए एक बढ़िया डिवाइस ढूंढ रहे हो, तो आपको डेफिनेटली इस डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। आप इस डिवाइस को अमेजोन से परचेज कर सकते हो और लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं इस डिवाइस को पिछले 1 साल से कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ। डिवाइस की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है और ये काफ़ी ड्यूरेबल भी है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।